आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एमपी को विकास की सौगात देने वाले हैं। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम में करोड़ों की सौगात दी जाएगी। कार्यक्रम में वर्चुअली पीएम मोदी जुड़ेंगे। 17,551 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। वहीं उज्जैन में विक्रमादित्य वैद्य घड़ी का भी लोकार्पण करेंगे पीएम मोदी वर्चुअली तौर पर। आज से सभी जिलों में साइबर तहसीलों का भी शुभारंभ होगा। कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल होने वाले हैं। तो आज कई सौगातें मिलने वाली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कई सौगातें मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। 17,551 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। इसके अलावा उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी लोकार्पण करेंगे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम का नाम है, जिसके तहत करोड़ों की सौगात आज मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है। 17,551 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया जाएगा और इसके अलावा उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी लोकार्पण किया जाएगा और साथ ही सभी जिलों में साइबर तहसीलों का भी शुभारंभ होगा, जिससे लोगों के जो काम है वो काफी आसानी से हो सकेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव भी खासतौर पर शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव फिजिकली मौजूद रहेंगे, क्योंकि उज्जैन में भी कार्यक्रम है और इसके साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश को भी आज एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जानी है। बिल्कुल, विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की तर्ज पर यह कार्यक्रम और 17,551 करोड़ की तमाम योजनाओं की सौगात आज मिलने वाली है। चलिए, अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे इस खबर पर लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अजय, आज मध्य प्रदेश वासियों को कई बड़ी सौगातें मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश की तर्ज पर कई सौगातें, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके की तैयारियां? बिल्कुल, आज प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश वासियों को बड़ी सौगातें देने वाले हैं। करीब 1700 करोड़ की लागत से कई विकास कार्यों और परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। इसके साथ मध्य प्रदेश को साइबर तहसीलों की भी आज प्रधानमंत्री मोदी सौगात देने वाले हैं। भोपाल के शाम 4 बजे लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यपाल मंगू भाई पटेल सहित तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। साइबर तहसीलों का मध्य प्रदेश को आज सौगात मिलने वाला है। प्रदेश के 55 जिलों में साइबर तहसीलों की शुरुआत हो जाएगी। साइबर तहसीलों की शुरुआत होने से जब जमीन की रजिस्ट्री कोई भी व्यक्ति कराता है, एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री कराता, तो ऐसे में 15 दिनों के अंदर अंदर नामांतरण स्वतः हो जाया करेगा। अभी मौजूदा वक्त में 2 से 3 महीनों का वक्त लगता है। पटवारी बार बार पटवारियों को लोगों का चक्कर लगाना पड़ता है, उन तमाम चीजों से निजात मिलेगा। तो डिजिटल इंडिया और डिजिटल के क्षेत्र में एक बड़ा शुरुआत और बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाली है। सड़क, बिजली, पानी, रेलवे के क्षेत्र में भी आज बड़ी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने वाला है। ठीक है अजय, यानी कि हर क्षेत्र में आज कोई ना कोई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश वासियों को देने वाले हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ, इस खबर पर जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।